हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद अभिज्ञान, अब यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से अवगत कराना। स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि मनुष्य में जो माताएं हैं वह शिशुओं को किस प्रकार से जन्म देती हैं, यानी माताओं में जो गर्भधारण की अवस्था है, गर्भावस्था से लेकर के उसका जो गर्भ का विकास होता है फीटस का, वह पूर्ण होने के बाद किस प्रकार से जो शिशु है वह माँ के जनन पथ से बाहर निकलता है, आउट होता है, ये प्रक्रिया आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। इसको समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं। जो शिशुओं को जन्म देने की प्रक्रिया है माताओं में, वह प्रसव कहलाती है और इसको पार्ट्यूरेशन भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम पार्ट्यूरेशन के बारे में बता रहे हैं कि जब जो माताएं हैं मनुष्य में, उनका जो प्रेगनेंसी पीरियड है वह लगभग जब 9 से 9.5 महीने पूर्ण हो जाता है, इस पीरियड को हम गेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं, गर्भावधि काल भी बोलते हैं इसको, या गर्भावधि बोलते हैं। तो यह जब पूर्ण हो जाता है गेस्टेशन पीरियड, तो बच्चे का जो जन्म प्रक्रिया, शिशु के जन्म की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है। दरअसल होता यह है कि जो गर्भाशय है, यूटेरस, उसमें जो बच्चा, जो शिशु है, गर्भ है, वह उसके अंदर जो है विकास पूर्ण होने के बाद, शिशु के विकास के पूर्ण होने के बाद माँ के गर्भाशय में बहुत जोर से संकुचन होता है और गर्भ बाहर निकलता है। तो प्रसव की जो क्रिया है, इस प्रसव में जो जो पार्ट्यूरेशन है, इस पार्ट्यूरेशन में जो चाइल्ड है, इस प्रसव में जो चाइल्ड है उसका एक्सपल्शन और डिलीवरी जो किस प्रकार से होता है, इसको हम समझते हैं कि क्या कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं होती हैं माँ के गर्भाशय में, यूटेरस में, और उसमें कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, इसको विस्तृत रूप से जानते हैं। गर्भावधि जब पूरा हो जाता है तो जो प्लेसेंटा है, अपरा जिसको बोलते हैं, वह एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह से कार्य करने लगता है, और ये जो पूरा प्रोसेस है पार्ट्यूरेशन का, यह तंत्र अंतःस्रावी या न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम को इंड्यूस करता है, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम प्रेरित करता है, और प्रसव की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। प्रसव जो फीटस है वह प्रसव के लिए तैयार होता है। हमने आपको बताया है कि जो पार्ट्यूरेशन है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म, और प्लेसेंटा इंड्यूस्ड माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, और इसको एक विशेष नाम से भी जानते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं इसको, उत्क्षेपण प्रतिवर्त, गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त भी इसको कहा जाता है। तो ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है, और जब यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है, प्लेसेंटा के द्वारा एक संकेत जाता है, संवेदना जाती है मस्तिष्क को, माता के मस्तिष्क को, और वहां पर जो उपस्थित पीयूष ग्रंथि है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, वो उसके द्वारा एक प्रेरणा मिलती है, और उससे ऑक्सीटोसिन नामक एक हार्मोन स्रावित होता है, और यह ऑक्सीटोसिन जिसकी जो आंतरिक जो स्तर है, जो एंडोमेट्रियम है, उसमें संकुचन प्रारंभ कर देता है फीटस के द्वारा, और प्लेसेंटा के संकुचन के द्वारा धीरे धीरे यह तेजी से बढ़ने लगता है। माता में प्रसव के दौरान इसी संकुचन के कारण बहुत जोर से पीड़ा होने लगती है, जिसको प्रसव पीड़ा भी बोलते हैं, लेबर पेन बोलते हैं, और अब बच्चा जो है बाहर निकलने के लिए, एक्सपल्शन के लिए या डिलीवरी के लिए तैयार होता है, और जो जो ऑक्सीटोसिन का जो है स्राव बढ़ता रहता है, या फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बढ़ता जाता है, तो बच्चा अब जो जो शिशु है वह माँ के गर्भाशय से जनन नाल के द्वारा बाहर आ जाता है, जिसको हम बर्थ बोलते हैं, जन्म लेना बोलते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को पार्ट्यूरेशन कहते हैं या प्रसव बोलते हैं। शिशु के जन्म के तुरंत बाद ही अपरा भी जो है, जो प्लेसेंटा है, वो भी गर्भाशय से बाहर निकल जाता है। इसके बाद एक प्रक्रिया माता में विशेष रूप से होती है,
लैक्टेशन की प्रक्रिया होती है, दुग्ध श्रवण की जो प्रक्रिया होती है, माँ में दुग्ध स्राव होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर हार्मोन्स बनते हैं और माँ की स्तन ग्रंथियां हैं उसमें कई प्रकार के बदलाव आते हैं और इस गर्भता के अंत तक इसमें दूध उत्पन्न करने की क्षमता हो जाती है और इस दूध उत्पन्न करने की क्षमता का उत्पन्न होना ही लैक्टेशन प्रक्रिया कहलाता है या दुग्ध श्रवण कहलाता है। और यह इसलिए होता है कि माँ अपने जो जो चाइल्ड बर्थ है, जो नवजात शिशु है, उसको जो है आहार पूर्ति के लिए दूध पिला सके, उसकी फीडिंग कर सके ताकि बच्चे का विकास हो सके और बच्चा स्वस्थ रह सके। आरंभिक जो कुछ दिनों का जो माँ का दूध होता है उसको विशेष नाम से जानते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं उसको, या उसको बोलते हैं प्रथम स्तन्य या खीस बोलते हैं इसको। माँ के इस दूध में बहुत सारे प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, इसीलिए माँ के दूध को उत्तम आहार बताया गया है। और इसका जो है मुहावरे में भी प्रचलन किया जाता है कि माँ का दूध पिए हो तो आओ सामने। तो इस तरह से माता का दूध बहुत ज्यादा लाभकारी होता है शिशुओं के लिए। और ये जो प्रक्रिया है दूध श्रवण की, यह आरंभ रहती है और बच्चा या शिशु अपनी माँ का दूध पी करके वयस्क होता है। पार्टीरूशन और लैक्टेशन के साथ जो क्लास 12th का चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन यह समाप्त हो जाता है। और यह जो जानकारी आपको दी गई है यह प्रारंभिक जानकारी है और बायोलॉजी में आपको प्रारंभिक जानकारी दी जाती है और जो मेडिकल साइंस है वहां पर इसका विस्तृत रूप आप देखेंगे, इसकी विस्तृत जानकारी आप मेडिकल साइंस में पढ़ सकते हैं। और तैयारी जो होती है नीट की, उसके लिए यह बेसिक्स हैं जो आपको जानना आवश्यक है और जानकारियों की सीमा यहीं समाप्त नहीं होती है। जो जो आप उच्च कक्षाओं में बढ़ेंगे तो यह जानकारी और भी विस्तृत हो जाती है। संक्षेप में एक प्रक्रिया जो पार्टीरूशन की है, जो लैक्टेशन की है, वो इस वीडियो के माध्यम से हमने समझाया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल का जो भी वीडियो बने उसका अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू। जय हिंद।